आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र चतरा में गाजर घास उन्मूलन सप्ताह के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। ये सप्ताह गाजर उन्मूलन कार्यक्रम सप्ताह 16 से 22 अगस्त तक हम लोग पूरे भारतवर्ष को मना रहे हैं। तो क्योंकि ये गाजर घास हम लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोग गाजर घास के नाम बोलते हैं। किसकी पत्ती गाजर की आकार की होती है, इसको सफ़ेद फूल टोपी बोलते हैं या फंगस घास बोलते हैं। ये घास अगर आपकी फसल में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा इसका फसल पे उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है और उपज नहीं के बराबर कभी कभी हो जाती है। क्योंकि इसको हम लोग को इसको गाजर घास जहाँ भी फसल में आ जाएगा तो इसको निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसको हम लोग गाजर घास को हम लोग इसको का निराकरण करना चाहते हैं और किसान को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके खेत में भी है तो गाजर घास को इसको फूल आने से पहले ही गाजर घास को आपको खेत से निकाल दें और इसको बहुत सारा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसको गाजर घास को मारने के लिए इसको हम लोग कबाड़ने के बाद ये कंपोस्ट में पिला सकते हैं, गड्ढा खोद के गड्ढे में डाल देते हैं, उसमें गोबर डाल देते हैं ताकि ये सड़ के कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इस तरीके से हम लोग मार सकते हैं। इसको मारने का बहुत सारा तरीका है। एक बीटल होता है, मैक्सिकन बीटल, जो इसके पत्ते को खाते हैं और इसके टहनी मुलायम टहनी खाते हैं। अगर वो आपको दिखे तो वो जीवाणु अगर दिखते हैं, कीट दिखते हैं तो हमारे मित्र कीटाणु है, उसको भी हम लोग उस खेत में छोड़ सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं अगल बगल में करेनी जो एक जंगली पौधा है या चकोड़ा, अगर उसको भी बीज भी हम लोग समय पर अगर छीट देते हैं तो उसमें क्या होता है कि गाजर घास आपको उसमें नहीं मिलती है, उसका पनपने नहीं देता है। और बहुत सारा तरीका है, इसको हम लोग खरपतवार नाशी से भी कर सकते हैं, 2,4-D या मेट्रीबुटीजिन का भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि घास को हम लोग समय पर मार दें और इसको समय पे ही उपाय करके ख़त्म कर सकते हैं। पकड़े चबाना रहे।